नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से आज नगर निगम कार्यालय पर वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सफाई मजदूर यूनियन से जुड़े सफाई कर्मी उपस्थित रहे। वार्षिक अधिवेशन में सफाई कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्मेलन में उठाया गया और उसके हल करने के लिए शासन प्रशासन पर निर्णायक दबाव बनाया जा सके, जिसमें सफाई कर्मचारियों सहित नगर निगम में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया एवं संगठन के विस्तार के लिए हर एक वार्डों से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को उठाया जा सके। हमारा जो है इलाहाबाद नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 22,000 रुपया वेतन दिया जाए और करीब 16-17 साल से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट से खाली जगह पर भर्ती किया जाए, परमानेंट किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। इलाहाबाद की आबादी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, उत्पीड़न जो कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों का उनका स्थानांतरण किया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग जो वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं। उनको नाम भी लिया जा रहा, किस लिए क्या चुना गया उनको? हर चुनाव वार्ड से एक प्रतिनिधि को चुना गया हैगा और पूरे इलाहाबाद में 100 चुनाव वार्ड हैंगा, तो हम 100 कमेटियाँ अपनी बनाने जा रहे हैंगा।